कैंट थाना क्षेत्र में रविवार की रात हुई संतोष साहनी के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिजन को 20 लाख रुपए मुआवजा और उसके परिवार की सुरक्षा की मांग को लेकर गोरखपुर के सदर सांसद प्रवीण निषाद ने जिलाधिकारी से मुलाकात की, जिस पर डीएम ने उनकी मांगों को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनिर्वाचित सांसद प्रवीण निषाद ने बताया, हम तो पहले तो सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि अपराधी को सबसे पहले पकड़ा जाए, उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि दिन दहाड़े रात में बुलाकर घर से किसी की हत्या कर देना ये कोई मामूली घटना नहीं है। हमने डीएम साहब से मुलाकात करके और डीएम साहब आश्वासन दिए कि एक दो दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और हम मांग किया कि जो पीड़ित परिवार है उसकी पत्नी को नौकरी का और 20 लाख के मुआवजा की, तो अब जिला प्रशासन उस पर पत्रक लिख रहा है, अब देखिए कैसा क्या काम करते हैं। अब जो आर्थिक सहयोग किया वो शाम तक कहें कि पहुंच जाएगा उनके परिवार को, हम नौकरी के लिए वो प्रशासन से बात कर रहे हैं।